नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ओल्ड इनोवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, उनकी कुर्सी चली गई है। लेकिन इस बीच खबर इसी सेम पैटर्न पर ममता बनर्जी की है, जहां ममता बनर्जी की उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत की तर्ज पर उनकी भी कुर्सी गई है। कैसे आपको दिखाता हूँ, बस कुछ देर रुक जाइए। और आज ममता बनर्जी की कुर्सी जाने वाली इस खबर को हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, जय श्री राम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से नफरत है। दिखाते हैं पूरी खबर क्या है, पूरी की पूरी खबर। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा है। संवैधानिक संकट की वजह से उन्हें राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं थे और वर्तमान हालात में उपचुनाव होना भी मुश्किल होता, ऐसे में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इस बीच तीरथ सिंह रावत के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किल की घड़ी आ गई है, क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है। और आखिर संवैधानिक बाध्यता क्यों है, थोड़ा समझिएगा। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। ऐसे में 10 सितंबर से पहले उन्हें किसी भी तरह से सदन का सदस्य होना जरूरी था। तीरथ ने संवैधानिक संकट और अनुच्छेद 164 का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। अनुच्छेद 164 के 4 सबसेक्शन के अनुसार कोई मंत्री अगर 6 महीने की अवधि तक राज्य के विधानमंडल यानी विधान या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो उस समय सीमा के खत्म होने के बाद मंत्री का कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। इस लिहाज से पश्चिम बंगाल की स्थिति भी उत्तराखंड जैसी ही है। और यहाँ सीएम ममता बनर्जी अभी विधानसभा की सदस्य नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आप समझिएगा, थोड़ा सा खेल क्या है, खेल इसमें जो है वही तो ट्विस्ट है। और अब विपक्ष और ये सारा कुछ कहेगा कि तीरथ सिंह रावत को पहले से साजिशन इस सब चीज की प्लानिंग करके बीजेपी ने शायद ऐसा किया था। मैं आपको बता दूं, ममता ने अपने लिए एक सीट भी खाली करा ली है, लेकिन इसके लिए उपचुनाव कब, यानी कि ममता बनर्जी को 4 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में उन्हें शपथ लेने के लिए 6 महीने के अंदर यानी 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और यह संवैधानिक बाध्यता है। उन्होंने अपने लिए एक सीट भवानीपुर खाली भी करा ली है, लेकिन यह वह विधानसभा के सदस्य तभी बन पाएंगी जब तय अवधि के अंदर चुनाव हो सके। कोरोना की वजह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव स्थगित किए हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया कब से शुरू होगी इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। और ऐसे में अगर नवंबर तक भवानीपुर उपचुनाव के बारे में चुनाव आयोग फैसला नहीं लेता है तो ममता की गद्दी के लिए खतरा हो सकता है। ममता का विधान परिषद वाला दावा भी जो है वो फेल हो रहा है, क्योंकि बंगाल में जब आयोग चुनाव करा रहा है तब कई राजनीतिक दलों ने आयोग को लोगों को जान से खेलने के आरोप भी लगाए थे। ऐसे में अब जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि चुनाव कराने के लिए किसी की जान को खतरा नहीं है, तो चुनाव होने की सूरत बनती नहीं दिख रही है। अब ममता ने हालात को समझते हुए विधान परिषद वाला रास्ता निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने विधान सभा भवन के जरिए प्रस्ताव पास कराया कि राज्य में विधान परिषद का गठन हो, लेकिन बगैर लोकसभा की मंजूरी के यह संभव भी नहीं है। अब केंद्र सरकार के साथ उनके रिश्ते जगजाहिर हैं, ऐसे में विधान परिषद वाला रास्ता ही मुमकिन नहीं है, ये भी साफ है। बने रहिए ओल्ड इनोवेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।